नमस्कार भाइयों बहनों देवी सज्जनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्जी आईसीओ के बारे में। कुछ फेक आईसीओ चल रहे हैं मार्केट में और एकदम फ्रॉडबाजी हो रही है, उसमें कईयों का पैसा घुस गया है, कईयों का पैसा घुसने वाला है। तो इस तरीके से बहुत आईसीओ लॉन्च हो रखे हैं जो कि फ्रॉड हैं बिल्कुल एक नंबर के, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। पहली बात तो यह है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसका टाइटल है स्कैमर्स आर क्लैशिंग इट इन ऑन टेलीग्राम्स अपकमिंग आईसीओ। टेक क्रंच पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो बेसिकली है क्या, वो समझो बात को, कि जब भी कोई एक पॉपुलर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे मान लेते हैं टेलीग्राम ने बोला कि उनका आईसीओ लॉन्च होगा, ठीक है, तो उनका तो कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है कि किस वक्त वो लॉन्च करेंगे। कहीं से मैं देख रहा था कि मार्च के टाइम पे, प्रोबेबली मार्च के टाइम पे वो लॉन्च करेंगे अपना आईसीओ। लेकिन उसी न्यूज़ की आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिल जा रहा है फिशिंग वेबसाइट क्रिएट करने का। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वो लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि ये टेलीग्राम का आईसीओ है, यहाँ पर आओ, टोकन वो लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इस तरीके से फ्रॉडबाजी हो रही है और वेबसाइट भी इस तरीके से बना रहे हैं वो लोग कि एक आइडिया ना मिल पाए किसी को कि ये क्या है। वाइट पेपर भी दिखा दे रहे हैं, बाकी रोड मैप भी बना के दिखा दे रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग शो करा दे रहे हैं, फर्जी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से फ्रॉड आईसीओ चल रहे हैं। एक तो टेलीग्राम का जो हुआ उसकी वजह से बहुत सारे आईसीओ मैं यहाँ पर देख रहा था। एक तो पॉपुलर जो स्कैम हुआ है रिसेंटली वो हुआ है ग्राम टोकन डॉट आईओ का। इसको जब मैंने यहाँ पर डाला यूआरएल में तो ये बोल रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड, ग्राम टोकन डॉट आईओ सर्वर आईपी एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड। तो अब समझो क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पर लिखा है कि द साइट ट्रैकर परपोर्टेड टू हैव रेज मोर देन $5 मिलियन बिफोर इट वेंट डार्क लास्ट वेडनेसडे। जो लास्ट वेडनेसडे को ये गायब हुआ उससे पहले जो अनुमानित इन लोगों ने फ्रॉडबाजी करी है वो करी है $5 मिलियन की। अब आप खुद सोचो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनका क्या हुआ होगा। और वेबसाइट ये देखना ना आप, ग्राम टोकन ये तो अभी दिखेगी नहीं आपको, पहले मैंने भी देखी थी एक बार, पता नहीं कहाँ से मुझे मिली ये वेबसाइट, मैंने चेक करा और वेबसाइट को देख के कोई पता नहीं पाएगा कि यार ये फ्रॉड है। मतलब A1 वेबसाइट भी ऐसी बनाई ज़बरदस्त और उसके बावजूद फ्रॉड के लिए पूरा का पूरा अभी ये गायब हो गए, अभी इनका कोई पता नहीं है, ठीक है, ग्राम टोकन का। तो ये तो हो रहा है पहला। दूसरा, यहाँ पर इन लोगों ने कुछ और भी लिखे हैं, अगर आप लोग को गलती से मिल जाए तो मत जाना इस पे। लिखा है कि ऑफ द रेस्ट ऑफ द फेक्स tongram.io gram-pre-ico.com tgram.cc टेलीग्राम के ऊपर ही चल रहे हैं ये TON जो है ये टेलीग्राम का कुछ हुआ है। मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है, TON का मतलब है टेलीग्राम ओपन नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इन लोगों ने इसी तरीके से टारगेट कर रखा है पूरा का पूरा, तो उसे देखते हैं एक बार। ये लिखा ना TON-gram.io, उसके बाद gram-pre-ico.com tgram.cc, ये तीनों जो हैं ये भी ये लोग बोल रहे हैं, टेक क्रंच की टीम बोल रही है, आर्टिकल जिनने लिखा होगा टेक क्रंच पे वो बोल रहे हैं कि ये भी फेक आईसीओ है, ठीक है। तो ये आईसीओ मैंने चेक किया, tongram.io ये तो गायब चल रहा है। इसके अलावा जो ये है gram-pre-ico.com ये अभी लाइव चल रहा है यहाँ पर और ये भी फ्रॉड बता रहे हैं, इसका कुछ है ही नहीं इसमें। देखो लोग, मैं क्या कहता हूँ कि मैं कभी वेबसाइट को देखता हूँ ना, जैसे कोई वेबसाइट पर मैं गया उसको मैंने चेक किया तो मैं कभी बोलता हूँ कि मैं टेक्निकली देख रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं बोलता कि मैं सारा टेक्निकली चेक कर रहा हूँ, लेकिन तो क्या होता है ना, वेबसाइट देख के भी पता चल जाता है क्या नहीं है करके। अब ये वेबसाइट में है ही क्या, देखो खाली इनने लिखा है यहाँ पर ग्राम टोकन फ्री आईसीओ, बाई ग्राम टोकन फॉर 0.09 USD ऑन फ्री सेल, और यहाँ कुछ भी नहीं, हाउ टू बाई 3 स्टेप दिखा रखे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल 4 इनने सेक्शन बना रखे हैं वहाँ पर ख़त्म। अब ये क्या होगा, ऐसे नॉर्मल बंदों को एक बार लग सकता है कि यार ये वेबसाइट है, क्लीन वेबसाइट है, लेकिन कुछ है थोड़ा ना इस वेबसाइट के अंदर, ना कॉपीराइट है ना कुछ लिखा है, यहाँ ग्राम फ्री आईसीओ लिखा है, आप जाने के लिए एक बटन दे रखा है और बाकी 4 सेक्शन बना के छोड़ रखे हैं, कुछ भी नहीं इसके अलावा। स्टिल इसके बावजूद लोग पता नहीं कहाँ से जाएंगे क्या जाएंगे, वो कहीं इस पर भी जाके इन्वेस्ट ना कर दें। और क्या लिख रहा है ये देखो, 180H अबाउट ये इथेरियम का एड्रेस, और कह रहे हैं कि यहाँ से मत भेजो, ना अकाउंट बनना है ना कुछ बनना है, अपना एड्रेस डाल के छोड़ दिया कि यहाँ से इस पर डाल दो। इस तरीके से भी फ्रॉडबाजी हो रही है। फिर एक वेबसाइट और है टीग्राम
टेलीग्राम का ही बना दिया है, मतलब टेलीग्राम के उस पर ही है ये, तो ये telegram.cc करके बना रखा है। इस पे देखो क्या हो रहा है, ये इमेज लगा रखी है इन लोगों ने, धुंधली क्वालिटी की इमेज पीछे से, कोई मतलब क्या लगा रखी है इमेज, आगे से क्या टेक्स्ट लिख रखा है, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। कभी कभी ये बारीकियाँ देख के ही पता चल जाता है कि उनने कितनी मेहनत कर रखी है अपनी वेबसाइट पे, और वहाँ से पता चल जाता है कि यार थोड़ा बहुत फेक वाला मामला लग रहा है। अभी टाइमलाइन भी दिखा रखा है यहाँ पर, इस तरीके से हो रहा है। और टीम में देखो ये चेहरे, टीम में ऐसे लगा के छोड़ रखे हैं इमेज लगा के गूगल से, ये सब फ्रॉडबाजी के लिए बना रखा है पूरा का पूरा। तो ये भी है दूसरा, telegram.cc, इस पर भी नहीं जाना है। बाकी torn-gram.io तो चला ही गया है, तो बंद ही कर दिया। तो ये तीन चीज़ें हैं, बाकी टेलीग्राम के उस पर ही आ रहा है। सेम काम हो रहा है तुम्हारा जियो के उसमें। जियो का क्या है कि हाइप हो गई ज़्यादा, मार्केट में लोग बोल रहे हैं, अभी कोई अपडेट आई नहीं। टेलीग्राम के ICO की कोई अपडेट आएगी ना, तो सबसे पहले जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर वो लोग अपडेट करेंगे, बताएंगे। सेम अगर जियो के रिगार्डिंग कोई भी ICO की अपडेट आती है, तो वो जियो वाले अपने उनके अपना जो प्लेटफॉर्म है ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। ये कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़े ना है जो लोगों के कहने पे होंगी, ये तो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो वो सब उन्हीं के उसमें से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। किसी की बात सुन लो, अंदर से खबर आ रही है, कहीं से आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तब जाना। और इतना ज़्यादा क्यों बेताब हो रहे हैं लोग बाग में, तो समझ में ये नहीं आता। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मतलब इतना ज़्यादा बेताबी लोगों को होती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई। एक ICO है, ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन बन रही है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या आ गया धरती में। भाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल स्टार्टअप है, ये टेक स्टार्टअप्स हैं, विजन के साथ आ रहे हैं अपनी फंडिंग लेने के लिए। तुम क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हो? मान लेते हैं अगर ICO नहीं चला, नहीं कर पाए काम, फिर क्या होगा? अभी जियो आगे से जुड़ गया, कुछ और उसके आगे से जुड़ गया, लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई क्या आ गया होगा न जाने। तुम ही को जाने फ्री में बांट रहे होंगे सारी चीज़ें, समझो बात को। प्रमोशन करने के तरीके होते हैं, कई सारे फ्रॉड आदमियों को मौका मिलता है इस जगह पे कि वो उसका वो ले सकें फ़ायदा। कुछ होगा नहीं, लास्ट में पैसे ही घुसेंगे और कुछ नहीं होगा। इतना ज़्यादा भी मोटिवेटेड मत हो जाओ, इतना ज़्यादा भी उत्साहित मत हो जाओ कि पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। टेलीग्राम के लिए भी लड़के बहुत उत्साहित हैं कि कुछ भी मिल जाए बस हम उसमें डाल देंगे पैसा। देख लो, समझ लो, वेबसाइट ये तो चलो फर्जी दिख जा रही है कि ये वेबसाइट है, लेकिन जो मैं ग्राम टोकन वाले की बात कह रहा हूँ ना, जो इन लोगों ने लिखा है, अगर इस वेबसाइट को देखते तो मैं यकीन नहीं मानते कि इस वेबसाइट को देख के पता नहीं चल पाता कि ये फर्जी होगा क्या होगा। इतने अच्छे तरीके से वेबसाइट ने क्रिएट करी थी अपनी, निकला क्या लास्ट में फर्जी वाला निकला। तो मैं कह रहा हूँ कि उसको समझो, बजाय इसके कि एकदम से हाइपर हो जा रहे बंदे की, वो नहीं। ठीक है, जियो के नाम पे भी फ्रॉडबाजी चल रही है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट है, लेकिन कुछ वेबसाइट मैंने देखी थी। एक jioico.com नाम से वेबसाइट थी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, jioico.com। ठीक है, ये क्या बना रखी है देखो इनने, ये तो jico खुल गया, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये देखो जैसे यहाँ पर को आ रहा है ना, jioico.com, सर्वर IP एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड। ये मुझे लग रहा है कि पहले चल रहा था jioico.com, ये वेबसाइट चल रही थी इससे पहले, एक अच्छी सी वेबसाइट बना के छोड़ रखी थी। अभी देखो ये भी गायब हो गई। तो समझने वाली बात क्या है कि जो भी इतनी मेहनत से आप लोगों ने इथीरियम रखा है अपने पास, या फिर दूसरा कोई कॉइन है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहीं पर इन्वेस्ट करो। कोई ढंग की अगर कोई चीज़ हो जहाँ पर को बहुत सारे लोग उसका रिव्यू दिया गया हो, उसके प्लस क्या हैं, उसके माइनस क्या हैं, उनके बारे में पढ़ लो, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करो। बिकॉज़ राइट नाउ क्या हो रहा है कि मैंने पहले ही बोला है, ICO में इतने बैरियर्स नहीं हैं। किसी का मन कर रहा है वो अपना वेबसाइट ओपन करके इथेरियम के एड्रेस पर डलवा दे रहा है आपसे पैसे, वो बेकार की चीज़ है। एक आध बार देख लो, उसके आगे से स्कैम लगा के चेक करो कि कोई स्कैम तो नहीं है, उसके बाद करो। और ICO के नाम पे इतना ज़्यादा बहुत मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे ICO अच्छे भी हैं, लेकिन लड़के कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, अंदर से इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि बस बताओ ICO कौन सा है। ठीक है, और जियो के नाम पे तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों से कि इतना ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है कि जियो, एक बार जियो आ जाए ना आगे से, तो लड़के पता नहीं क्या सोचते हैं कौन सी चीज़ आ गई हो। कुछ नहीं आया मेरे भाई, उन लोगों ने अपना पैसा कमाना है, फ्री में कुछ नहीं करना है। कोई तुम्हारे को फ्री में बांटने के लिए कुछ कोई
इसके इतना पैसा किसी के पास नहीं है। जितना बड़ा आदमी होता है, जितने ज़्यादा पैसे आते हैं, उतना ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाता है। स्टार्टिंग में तो दिलेरी बहुत होती है, जब पैसा कम होता है तो दिलेरी होती है। जब भी पैसा आता है ना ज़्यादा, तो फिर सोचता है कि यार, फिर क्या होता है ना कि पैसे का उसको यूटिलाइज़ करना पता चल जाता है। समझना ध्यान से, थोड़ी सी बात अलग सी है लेकिन रिलेटेड ही है, रिलेटेड है। आगे ऐसा होगा कभी कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब कम पैसा होता है इंसान के पास, तो उसको पता नहीं होता है कि इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करूँ। ना उसे शेयर मार्केट के बारे में पता होता है, ना उसे ये पता होता है कि कितना ब्याज मिलता है पैसे में। लेकिन जैसे जैसे इंसान पैसा कमाता है, ज़्यादा पैसा आता है, तो जो कंजूसी और जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा लगने लग जाती है। फिर क्या होता है कि वो तुमको, अगर पहले कोई इंसान 10,000 रुपये ऐसे दे देता था उधार में, फिर वो सोचता है कि यार 10,000 रुपये अगर यहाँ लगा दूँ तो वहाँ से इतना ब्याज मिलेगा, या फिर इतना मैं यहाँ से इंटरेस्ट लूँगा, या फिर यार इसको क्यों ना शेयर मार्केट में लगा दिया जाए। फिर ऐसे भी विचार आने लग जाते हैं। तो क्या कह रहा हूँ उसको समझना कि कोई बंदा फ्री में पैसा बांटने के लिए नहीं आया है, हर बंदा अपने अपने पैसे कमाने के लिए आया है। और ICO या फिर ब्लॉकचेन बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन बनती है, या फिर कोई भी नई चीज़ आ रही है जो ब्लॉकचेन के हिसाब से काम कर रही है, इतना बड़ा सिगुफा नहीं है मेरे भाई। अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ICO भी अच्छा है, नए स्टार्टअप भी अच्छे आ रहे हैं, नए विजन के साथ आ रहे हैं, सब चीज़ें अप्रिसिएशन के लायक हैं। लेकिन जो अच्छे से काम करेंगे केवल वो अप्रिसिएशन के लायक हैं। और हर जगह पे उसके साथ कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें भी आती हैं, तो उन चीज़ों, उन बातों को भी समझना है। तो ICO के नाम पे ये नहीं कि उत्साहित हो गए, कुछ दो चार लोगों ने बोला कि ये है जी। मैं देखो जियो के कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जियो का क्या हुआ कि उन लोगों ने तो बनाया जो बनाया, उसके बाद यूट्यूबर्स ने, आप यकीन मानो। और ऐसा थोड़े ना है कि जियो में कुछ उनको, वो जियो ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर तुम जियो का देखो तो जियो के नाम पे कितनों की गाड़ी चल गई, यूट्यूब पे भी कितनों को फ्री में वो मिल गए, व्यूज़ मिल गए उसके नाम पे। अगर जियो के नाम पे व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, यकीन मानो 60-70% जितने भी यूट्यूबर हैं, 90-95% यूट्यूबर कोई जियो के बारे में कुछ नहीं बोलता। सारे लोग जितने भी बोल रहे हैं उनको ये पता है कि जियो के नाम पे ट्रैफिक मिल जाएगा। लोग सर्च कर रहे हैं जियो में क्या आ रहा है, नया प्लान कौन सा आ रहा है, तो वो फ्री के कुछ व्यूज़ लाने की कुछ तरकीबें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ट्रेंडिंग कीवर्ड होते हैं। लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, ब्लॉकचेन के बारे में? लोग केवल बिटकॉइन के बारे में क्यों बोलते हैं? समझना ध्यान से, बिटकॉइन है ट्रेंडिंग कीवर्ड। और ट्रेंडिंग कीवर्ड से क्या होता है कि इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं व्यूअर्स को खींचने के लिए। अगर ट्रेंडिंग कीवर्ड का यूज करते हो तो ऐसा होता है कि कोई ढूंढते ढांढते अपने आप ही आ जाता है तुम्हारे पास, वो जब सर्च करता है तो उसको मिल जाता है। तो वो क्या होता है ना, ट्रेंडिंग का इसलिए यूज किया जाता है। लोग का भी अपना पर्पज होता है कि यार व्यूअर्स आ जाएंगे, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बहुत दुनिया भर की चीज़ें और हो सकती हैं, कुछ ऐड लगे हों तो फिर पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो सारी बातों को समझना है, ठीक है? जहाँ पर जिस तरह से लालच होता है इंसान का, वो उस तरीके से काम करता है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जियो में सबका लालच है, लेकिन एक बात है, इतनी ज़्यादा भी हाई पीरियड हो जाए किसी चीज़ की तो वो भी नुकसानदेह होती है एक तरीके से। जितने भी स्कैमर हैं उनको मौका मिल जाता है। जियो के नाम पर कितनों को मौका मिला, कितने तो फ्रॉड चल रहे होंगे हमें पता नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड में सब चीज़ सब हो रहा होगा, ठीक है? तो उससे बच के रहना है इन सारी चीज़ों से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ICO भी चेक करने हैं, चाहे कोई सा भी ICO हो, किसी पे भी जा रहे हो, एक बार उसके माइनस साइड, जो डार्क साइड है, उसको भी चेक कर लेना। वहाँ से हो सकता है कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जितना भी तुम्हारा जाने वाला हो पैसा, डूबने वाला हो, उसको आप लोग बचा लो। उसको खुद ही करना पड़ेगा, वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है? जितना हो सकेगा वो तो बता देंगे, जैसे ये आर्टिकल दिखा, देख के बता दिया। अभी नहीं मिलेगा तो कहाँ से बताएंगे, कुछ देखना तो हमें पड़ेगा ना। अब किसको पता है ग्राम टोकन आई हो फ्रॉड था कि नहीं था, इसकी वेबसाइट देख के कोई बोल देता है, रिव्यू कर देता है इसका ग्राम टोकन का, उसको खुद पता नहीं चलता कि ग्राम टोकन क्या है। वो तो ये है कि कुछ हो जाने के बाद ही पता चलता है यार ये फ्रॉड हो गया, आप क्या करें, ये है। तो इसका ध्यान रखना है सब लोगों ने। तो ये था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।